यूके का वीजा रेशियो बहुत हाई है नाउअडेज, तो लेट्स ट्राई। पाकिस्तान से मंडी बाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ और मेरा ज्यादा वक्त मंडी बाउद्दीन में, उसके बाद फिर गुजरात में, फिर लाहौर और इस्लामाबाद, ये चार सिटी जो है ना, इनमें ज्यादा वक्त गुजरा है मेरा। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, और दो साइड पे था फिजिक्स केमिस्ट्री और नहीं था हमारी दफा, हमारे सेशन में इंटर में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन की, आईसीएस किया, उसमें फिजिक्स भी चली गई, केमिस्ट्री भी चली गई, बायो भी निकल गई, उसमें हाँ मैथ्स बचा, कंप्यूटर साइंस बचा, और मैथ्स का ही कह लें उसका छोटा भाई स्टैंड बचा, वो मैंने चूज किया। इंटर के बाद मैंने बीसीएस में एडमिशन लिया, तो अगेन फिर वही मेरी अच्छा स्टोरी है कि जनाब, जब हम किसी बड़े शहर जाने लगते हैं ना, तो हमें समझाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, यू नो, इन्हें पढ़ना है, इन्हों यूनिवर्सिटी जी फलानी में कर लो, उथे ठीक होंगे, इन्हों वो फलानी यूनिवर्सिटी ना कर लो, उथे को एजुकेशन है, उथे जाके ना खराब हो जाना है, इन्हें मतलब यू नो टिपिकल हमारा जो है ना वो पेनुओं वाला हिसाब हो जाता है, हमें गाइड करने वाले जो है ना वो काफी अंकल बन जाते हैं हमारे। तो मैंने एडमिशन लिया मिनहाज यूनिवर्सिटी में, मिनहाजुल कुरान, दारुल कादरी साहब की एक यूनिवर्सिटी भी है मिनहाज यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन जी लिया। बिल्कुल तो वो लिटरली वो मैंने मतलब 2 माह रहा, मेरा दिल ना लगा, मैं छोड़ के आ गया, आगे फिर कोई ऑप्शन ना बचा, साल जाया हो रहा था, तो मैंने बी कॉम में वो क्या कहते हैं ना एक्सीडेंटली एडमिशन ले लिया। तो उसको करते करते वो एनुअल सिस्टम था, एनुअल सिस्टम में और फिर सारे कॉमर्स के स्टूडेंट सब्जेक्ट से वो कैरी ना कर सका, सप्लियों की भरमार आई, सेकंड ईयर में मैंने उनको क्लियर किया, रोड हो गए। तो अगेन बैचलर्स तो हो गया, उसके बाद क्या बचा मेरे पास, कोई ऑप्शन, बड़े लिमिटेड ऑप्शन बच गए हुए थे कि जी अब आगे क्या करना है। हाँ मैंने आगे पढ़ना है, मैंने करना है, लेकिन ये नहीं पता चले कि अब करूं क्या। फिर जी फिर आज आके जो था एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बचा। यार आई वाज थिंकिंग बिफोर लाइक इंटरव्यू दैट के व्हाई आई चूज सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी पता नहीं, चूज चले करने ये के बाद मैं शर्मिंदा नहीं हूं। मुझे ये बताएं शम्स भाई के सोशियोलॉजी का आपने नाम कैसे सुना, किसने बताया कि सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जिसको आप मास्टर लेवल पर पढ़ सकते हैं, और किसने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रिकमेंड की, ये मुझे थोड़ा बताएं इस बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, मैंने बैचलर्स किया, उसमें थोड़ी सी ग्रूमिंग ये होगी कि मैं लाहौर में रह के आया हुआ था, मैंने वहां पे ना थोड़ी बहुत चीजें देख चुका था, तो मैं जब बैचलर्स किया, मेरे ननिहाल जो है ना वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उससे थोड़ी सी मुझे अवेयरनेस थी गुजरात यूनिवर्सिटी देखी, और मेरा एक सीनियर कह लें, एक ननहाल के गांव से एक लड़का जो है ना वो सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर भी रहा था और साथ में वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ता था, उस वजह से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात देखी भी हुई थी थोड़ी बहुत, और उसकी वजह से मैंने सोशियोलॉजी का नाम भी सुना हुआ था। मैंने 3-4 डिपार्टमेंट्स में किया हुआ था, मैथ्स कॉम में और सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, आईआर में और एम कॉम में किया हुआ था, क्योंकि मेरा मेरा बैचलर्स था बी कॉम, बी कॉमर्स था, बीकॉम से बैचलर्स इन जी कॉमर्स, तो मैंने सोचा कि एम कॉम, एम बी ए, ये 4-5 में मैंने ना अप्लाई किया हुआ था, एम बी ए में नहीं बना, एम कॉम में बन गया, और मैथ्स कॉम में उन्होंने बाद में बोला जी टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसकी डेट जो है ना वो गुजर रही थी, और वही चीज़ें करते गुजर करते चुकी थी। मेरे पास क्या बचा जी, एम कॉम का भी रिजल्ट जो है ना वो डिले आया, काफ़ी डिले आया, तो तब तक मैं सोशियोलॉजी में फीस अपना एडमिशन सिक्योर करते करते मैंने सोशियोलॉजी में अच्छा एडमिशन ले चुका था। किसी बंदे ने मुझे बोला कि ये लेडीज सब्जेक्ट है, तुमने, मुझे अभी भी याद है कि यार ये कहाँ तुम लड़कियों में फंस रहे हो, कुछ करने वाली काम करो, कुछ करने वाला करो, कुछ जो है ना कहाँ जाओगे, मतलब जो इतनी यंग जनरेशन है
हम जो स्टूडेंट आते हैं हमारे नजदीक स्कोप ये है कि हम देखते हैं कि इसके यार कोई जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने ना उन्हें एक एड देखो था, तब ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था, नया नया प्रोग्राम चला था और उसमें मैंने एड देखा हुआ था और सोशियोलॉजी को फिर मेरा ना दिल लग जाने की वजह भी ये थी। उसमें था कि उन्होंने रिक्वायर्ड था 80,000 पे थी, पाकिस्तानी रुपीज थी और स्टार्टिंग सैलरी थी और सोशियोलॉजी रिक्वायर्ड था उस टाइम पे। मैंने हाँ जी 12 की बात हो रही है, ये 12 से 14 मेरा टेन्योर था। तो मैंने जब देखा ना कि यार सोशियोलॉजी रिक्वायर्ड और 80,000 पे है, नॉट बैड, यहाँ से हम सोशियोलॉजी के साथ सफर शुरू हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और सोशियोलॉजी ने जो चीजें सिखाई हैं वो फिर अभी तक काम आ रही। मैंने काफी डिले किया इसमें, काफी गैप आया, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं अटैच हुआ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई एनजीओस के प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो उनके साथ अटैच हो जाना जी, चलो सोशल गैदरिंग की भी हो रही है और साथ में पॉकेट मनी भी बन रही है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के साथ मैं ना अटैच रहा। तो वही पहले बताया कि जी दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है पीपीएससी एफपीएससी या वो एग्जाम जो है ना सीएसएस कंडक्ट कर लो या जो है ना कोई बड़ा जो है ना एग्जाम क्रैक कर लो तो आप किसी अच्छी जगह पहुंच जाते हो। तो वो चीजें थी कि यार हम वही एवरेज स्टूडेंट ठहरे, नहीं हो पा रहा था क्रैक एग्जाम, तो सोचा यार नहीं हम इतना कैलिबर नहीं है हम कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर लें, तो बस इसको छोड़ दो बजाय इसके कि अपने आप को धोखा दो, टाइम वेस्ट करो, वालदैन का पैसा वेस्ट करो, वालदैन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओ, तो उससे अच्छा है कि यार कुछ और करो जिसमें आपका दिल भी लगे और कुछ ऐसा जो है ना करके आप कहीं आगे निकल जाओ। तो वो चीजें जो है ना मैंने बिठा ली माइंड में, कुछ जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहा, कुछ कमाना घूमना फिरना भी, कुछ सेविंग करनी। तो एट द एंड फिर वही चीज, ये सडन अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, वो रिफ्यूज हुआ। वही चीज, हम गलती कहाँ करते हैं, अगर कोई बंदा जेन्युइनली स्टूडेंट आना चाहता है तो वो करता क्या है, वो चूज करता है कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट को किससे गर्ज है, उसको सिर्फ उस 20-30,000 रुपए के 40,000 रुपए 50,000 रुपए कंसल्टेंसी से गर्ज है, जिसकी वजह से वो आपके केस की माँ बहन एक कर देता है, उसको उसको अपने पैसे से है, आपके केस से नहीं, उसको क्योंकि कंसल्टेंसी फीस तो कंफर्म है, आपका वीजा लगे ना लगे उसने लेनी ही लेनी। अब वही चीज, अब फिर ये होता है जब आप अब्रॉड का नाम लेते हैं ना, बाहर जाने का नाम लेते हैं, तो वहां पे बहुत से एलिमेंट शामिल हो जाते हैं यार, वो एजेंट ना होवे तुहाडे पैसे ना खा जाए यार, वो किधर फसा ना देवे यार, इतने बड़ी अमाउंट है आपने फीस देनी है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया चूज कर रहे हो, कोई भी मतलब चूज कर रही हो यूनिवर्सिटी, उसकी फीस 10,00,000 से ऊपर ऊपर ही है, अब तो बहुत ज्यादा होगी हुई है, अब तो 10,00,000 तो कुछ भी नहीं है। तो वो चीजें तो होती थी, जब वो चीजें शामिल हुई तो वो घर वाले जो है ना उनकी रिजर्वेशन होती है और वो जो है वो डेफिनेटली वो होनी भी चाहिए, उनकी बनती है जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो उनको रिजर्वेशन को दूर करने के चक्कर में मैंने कंसल्टेंट उनकी मर्जी का चूज किया, उसने वही टिपिकली जो है ना एक स्टूपिड सा एक केस बनाया, वो मेरा इतराज लग गया, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं दिया आपको दे रहे वीजा, कोशिश की इंटरव्यू क्या इतराज क्या लगा था, क्या इतराज उसने लगाया कि जी मेरा बैचलर्स था सॉरी मास्टर्स था सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी के बाद मैं एमबीए में जा रहा हूँ, MBA का तुक नहीं बनता था, उसका लिंक नहीं बन रहा था सोशियोलॉजी के बाद MBA में जा रहे हो। तो मैंने बोला कि जी मैं जा रहा हूँ कि जी जो उसने ना स्टेटमेंट्स लगाई हुई थी जो एक कि ये इसके वालिद साहब जनाब सऊदीया में वेल सेटल्ड हैं, वहाँ पे बिजनेस है, ये चीज़ें उसने लगाई हुई थी जो बैंक स्टेटमेंट के साथ जो रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने बोला कि जी आपके वालिद साहब की एजुकेशन क्या, मैंने बोला जी इंटर है, तो उन्होंने बोला वो इंटर में इतना अच्छा बिजनेस सेटअप बना रहे हैं, मैंने वेरिफिकेशन ये दी ना कि मैं MBA करके मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके, तो एक जो हमारा वहाँ पे होटलिंग का अच्छा खासा बिजनेस है हमारा सऊदीया में, और साथ में एक स्कूल था, तो उन्होंने बोला कि यार वो आपके वालिद साहब कैसे चला रहे हैं, मैंने बोला ही गॉट एक्सपीरियंस, ही वाज नॉट ऑन बिजनेस वीजा, ही वाज ऑन लेबर वीजा,
He spent 30 years over there and he earned a lot of money, a lot of experience from Saudi Arabia. And then he got another partners. Unke through wo business establish kiya, jo mere paas nahi hai. Mere paas to education se aa sakta hai. तो मैं इतने बड़े बिजनेस पे टेक ओवर नहीं कर सकता until unless जब तक मेरे पास ये चीजें नहीं हुई. लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. उन्होंने बोला कि हम सेटिस्फाइड नहीं. मैंने बोला चलो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश की नहीं हुआ. मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी फर्स्ट जो ड्रीम डेस्टिनेशन थी दैट वाज ऑस्ट्रेलिया एंड वो वहां पे आपको रिजेक्शन मिली. फिर आपने फिर जो दूसरी आपकी प्रायोरिटी थी दैट वाज यूके. जब मेरी सीरियस हुई तो तब मैंने क्या किया जी, तब मैंने छोड़ दिया, वो सोचना छोड़ दिया किसको मतलब बस कुछ डाल के. तो मैं बिजनेस की तरफ सोचने लग गया अब कुछ और करो. ऑस्ट्रेलिया के बाद मैंने जर्मनी का अप्लाई किया. जर्मनी में भी मैंने मुझे काफी टाइम लग रहा था, ठीक है उसका प्रोसेस लेंथी था, लेकिन उनका ये है कि वहाँ पे प्रोसेस जो है ना स्टडी का वहाँ पे काफी जो है ना वो देखते हैं, मतलब फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को. लेकिन वो आपका टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत लेते हैं. तो वो मैंने जर्मनी का भी बीच रास्ते में छोड़ के मैंने बोला नहीं यार अब वो कहते हैं ना कि यार आधी उम्र गुजर रही है तब कुछ और करो ना यार, आप पैसे भी कमाओ, सिर्फ शौक के पीछे नहीं भागना, जिंदगी भी गुजारनी है, पेट भी है ना साथ, पापी पेट के लिए कोई बहुत कुछ करना पड़ता है. तो उसके लिए फिर मैंने बिजनेसेस में फ्रीलांसिंग में पढ़ गया, चलो यार बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, वहां से रिकॉग्निशन लेंगे. लेकिन प्रॉपर बिजनेस एस्टेब्लिश करते करते ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई कि यार यूके का वीजा रेशियो बहुत हाई है नाउडेज, तो लेट्स ट्राई. और इसके लिए बहुत सी चीजें एग्जेम्प्ट हो रही हैं ड्यू टू कोविड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सुनहरी मौका है. तो मैंने बोला यार नॉट बैड आइडिया कि चलो ट्राई करते हैं. इस ट्राई में हम ऐसे सडन प्लान बनाए, ये भी एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में आया जनाब के, ठीक है जी. मैंने बोला कि जी हाँ ओके मैं, मेरा एक कजन था और मेरा छोटा भाई, उसने बोला कि ये ऑप्शन आया. मैंने कहा हाँ मैं डेफिनेटली अलाउ करता हूँ कि चलते हैं देखते हैं, अवेल करता हूँ. लेकिन ये है कि देखो मेरे पास मैक्सिमम 2 महीने हैं, इससे ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं काफी टाइम वेस्ट कर चुका हूँ अपनी लाइफ का. तो देखो इसको क्या करना है. कंसल्टेंट अगेन चूज किया, उसने बोला कि ये ऑप्शन है, क्या चूज करोगे. मैंने बोला मुझे सब्जेक्ट पे फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे सब्जेक्ट जो चूज करने हैं वो पहली प्रायोरिटी. उसने बोला क्या, मैंने कहा सोशियोलॉजी किया हुआ है, ये मेरे पास एक्सपीरियंस. उसने बोला कि यू शुड बी गो फॉर HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो इमर्जिंग सब्जेक्ट है ओवरऑल द वर्ल्ड और रिकग्नाइज भी है. तो मैंने उसके बारे में गूगल किया, उसके सर्च किया. तो मैंने बोला यार ये ठीक है सब्जेक्ट, इसके रिलेटेड इसको मैं डिफेंड भी कर सकता हूँ सोशियोलॉजी के बाद. तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया. हाँ कंसल्टेंट अच्छा मिल गया. कंसल्टेंट ये था कि उसको पैसों से ज्यादा चीजें ये इम्पोर्टेंट थी उसके लिए कि जी मेरा स्टूडेंट केस वो जेन्युइन केस ले रहा था. उन चीजों से लेके जनाब वो मैं आ गया इधर. मुझे ड्यू टू द कोविड, क्योंकि आइट्स मैंने किया इन अदर सेंस, आइट्स की दूसरी शक्ल में किया वो ऑनलाइन, क्योंकि कुछ नहीं था हो रहा. वो क्या कर रहे थे कि जी वेब विजुअल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऐसा कुछ नाम था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है. लेकिन उन्होंने ये चूज कर लिया कि जी हाँ आप ये दें. बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने वेब यूज किया, कुछ ने आइट्स यूज किया, इवन आइट्स भी वर्चुअल हो रहा था, घर बैठ के भी दे सकते हैं. ऑनलाइन हो रहा था जी. हाँ जी ऑनलाइन हो रहा था. तो वो मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया, तो वो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया और यूनिवर्सिटी के बाद में उन्होंने इंडक्ट किया. उसमें क्या हुआ जी, उन्होंने विजुअल कंडक्ट करने के बाद जब इंटरव्यू कंडक्ट किया तो उन्हें पता लग गया कि हाँ जी इसके पास इनफ नॉलेज है कि इंग्लिश बोल सकता है, समझ सकता है. क्योंकि इंग्लिश में लेडी जो है ना इंग्लिश में कर रही थी, उसको समझ आ गई कि हाँ ये इंग्लिश समझ रहा है, तभी हमारे सवालों को जवाब दे रहा है. तो उन्हें इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि गो ऑन. तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी मिल गया, तो उसके बाद भी काफी एज मिल गया. तो यूनिवर्सिटी ऐसे चूज हो गई. कुछ लकी हूँ
या कुछ जो है ना वो मुझे जो चीज भी फेस करनी पड़ रही है ना, जो चीज भी मुझे मिल रही है ना, वो एक्सीडेंटली चीजें मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोविड की वजह से आ गया इधर, वो भी मतलब मैं 2 माह एक्सपेक्ट किए हुए थे, 1.5 माह में मेरा वीजा सीजा सारा कंक्लूड हो गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू कंडक्ट किया, एम्बेसी इंटरव्यू कंडक्ट करती थी, एम्बेसी ने विदाउट इंटरव्यू कंडक्ट किए वो मुझे स्टैंप कर दिया वीजा। उसके बाद यहाँ आ गया तो कोविड की वजह से हमारी क्लासेज ऑनलाइन थी। हाँ, मैंने जब उन्होंने बोला कि हाँ जी अब आपकी मर्जी है, आप क्लासेज ऑनलाइन लें या क्लासेज जो है ना आप उसको फिजिकली लेना चाहते हैं, तो मैंने फिजिकली ली। उसमें भी उन्होंने फिर भी वो चीजें जो है ना वो फिर भी ज्यादातर ऑनलाइन ही थी। उसमें से वीक में एक दिन फिजिकल क्लास, बाकी ऑनलाइन क्लासेस। वो कहते थे हम इतना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कोविड की वजह से। तो जो मैं फिजिकली ली क्लासेस और जो हमने ऑनलाइन भी सीखा, जो चीजें सीखी, नो डाउट वो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे जो फिजिकली मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं था। लेकिन ये था कि जो एजुकेशन लैब यार वो कमाल है कि आपको, आपके पास पेपर्स नहीं है, आपको वो रिसर्च करना सिखाते हैं, आपकी रिसर्च को वो देखते हैं कि हाँ जी बच्चे में कितना जो है ना रिसर्च कितनी है आपको। फॉर एग्जांपल अब मेरे 3 सेमेस्टर से 2 सेमेस्टर उन्होंने पढ़ाया, अब उसमें पढ़ाया क्या है, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें जितने सब्जेक्ट थे उसमें या हर सब्जेक्ट वाला आपको ये सिखा रहा है कि आपने जॉब कैसे ढूंढनी है, आपने जॉब हंट कैसे करनी है, आपने कंटेक्ट कैसे डेवलप करना है, आपने लोगों को कैसे ट्रेन कैसे करना है। HR ह्यूमन रिसोर्स इज बी आर लाइक हायरिंग डिस्कसिंग द ट्रेनिंग द पीपल एंड लास्ट ऑफ आगे जो है ना उन चीजों को है। तो टीचर्स हम क्लास में क्या कर रहे हैं जी, एक बच्चे को बिठाया, इंटरव्यू कंडक्ट करो, आगे 3 पैनल बिठाया, ये क्लास हो रही है जी मेरे सामने, इंटरव्यू कंडक्ट करो इस बच्चे का, इसको आप हायर कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, आप बोर्ड ऑफ मेंबर हो ऑर्गेनाइजेशन के, आपके पास 10 मिनट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करो, उसके पास भी 10 मिनट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च कर ले, वो एम्प्लॉय बन के आ रहे हैं, आप एम्प्लॉयर हो तो आपने उसको हायर करना, कैसे हायर करोगे। वो चीजें जो उसने जब वो हमारी वो एक्सरसाइज देखी, उसके बाद उसने जो है ना क्लास खत्म होने पे क्या कर रही है जी, आपको आपकी कमियां बता रही है कि तुम्हारी में बेटा ये कमी थी, एम्प्लॉयर को की कमियां बता रही है, एम्प्लॉय की कमियां बता रही है। तो वो चीजें जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिंपल एज दैट, शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो टोटली प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल है ही नहीं। और जो लास्ट सेमेस्टर है वो भी हमारा ये था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सिटी हमें एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, वो 3 माह हमने इंटर्नशिप वहां पे गुजारनी है, उसके बाद हमें उस इंटर्नशिप पे एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है और हमें डिग्री मिलेगी। आजकल क्या काम कर रहे हैं वहां पे अपने, एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, जॉब ये है कि जब हमें ना, जब आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं वीक, ठीक है। वो आप इनका नेशनल कह लेना इंश्योरेंस नंबर या नेशनल टैक्स नंबर उसे कह लें आपकी आसानी के लिए, या जो देख रहे होंगे व्यूअर्स उनके लिए, यहाँ पे एक आप जब आते हैं ना तो आप अपने पासपोर्ट पे, आपके पास पासपोर्ट है तो आप अप्लाई करते हो नेशनल टैक्स नंबर, उसे बोलते हैं NI, नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी बोलते हैं, वो आपको जनरेट करते हैं, उस पर आप काम करते हो तो आपको NI पे जो आपकी सैलरी मिलती है ना, लीगल वर्क आप करते हो तो वो आपको आपकी अकाउंट में मिलती है, आपको कैश इन हैंड मिलता, उसको जब आप NI पे कर रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट आपको मांगेंगे जी हाँ आपका बैंक अकाउंट दें, उसमें आपकी सैलरी आएगी, उसमें से ही। अब इस चीजों में बहुत से हम बड़ी लंबी डिस्कशन कर सकते हैं कि NI पे आप दे रहे हो, आपका डायरेक्ट इनकम गवर्नमेंट को पता है, उसमें से डायरेक्ट टैक्स काट के डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ रही है, जो वहां पे पाकिस्तान में बड़े डॉलर डलते हैं कि जी इतने टैक्स दे रहे हैं, इतने टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पे टैक्सेस की बात की जाए तो आपकी सोच है कि इतनी पाकिस्तान में एक अच्छे बंदे की सैलरी नहीं होगी जितना डायरेक्ट टैक्स कट जाता है। तो वो बहस ही बड़ी लंबी है, लेकिन वो टैक्स निकाल के आपको देते हैं वो तो बड़ा लिमिटेड है, आप उसमें से फिर अगर खर्चे निकाल, हाँ वो खर्चा निकालने के लिए आप इतना काम करते हो, 20 घंटे काम करते हो NI पे, तो हाँ आप महीने का खर्चा पानी निकाल लेते हो। लेकिन अगर आप ये हो ना कि आप यहाँ पे आओ पढ़ने के लिए आओ और साथ में उससे कुछ कमा के तो फीसिस दे लो, वो मुश्किल हो जाता है।
उसके लिए फिर क्या है जी, फिर सीन यही है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा ना लाइन से ट्रैक से हटके काम करने पड़ते हैं, तो वो अलग डिस्कशन है कि जी आप वो कौन कौन से काम आप कर सकते हैं और क्या क्या काम करते हैं आप फिर लोग यहाँ पे आके। और करंटली मैं यहाँ पे जॉब ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे उसका ना एक सिक्योरिटी का बैक, तो मुझे पहले भी पता था, कुछ दोस्त दोस्त साहब आपने गाइड किया वो मैंने की, वो उसमें फर्स्ट एड उसमें शामिल थी और चीजें सिक्योरिटी के वजह से वो मैंने बैच किया, तो सिक्योरिटी की मैं जॉब फिलहाल कर रहा हूँ। तो वो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी जॉब है, कि इजी जॉब है, अच्छी इन द सेंस कि इजी है कंपैरेटिवली। अगर आप कहीं और कर रहे हो तो आपको फिजिकली काम करना पड़ता है, यहाँ पे ये है कि आपको या जुबान हिलानी है तो या आपने बैठना है जस्ट लुक अराउंड के व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आपको जस्ट वो सिक्योरिटी करनी होती है। आपने ये नहीं है यहाँ पे गन गन पकड़ गन निशान नहीं पकड़नी, क्योंकि गन निशान पकड़ के आप बैठे हुए हैं।